गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज है एंगेजमेंट पारस भाई की, तो अभी सब तैयारियों में लगे हुए हैं और अभी आंटी जी को भी छोड़ने जाना है सैलून पे मेकअप के लिए। चलें? मैं जाके राजी तो नहीं हूँ, बाकी सारे घर के। अरे कोई नहीं, नॉर्मल करवा ना, थोड़ा बहुत करवा लेना, थोड़ा बहुत, ज्यादा मत करवाना। ऐसे क्या है, वो मैं तो खुद ही कर लेती हूँ ऐसा थोड़ा बहुत। ऐसे तो कहेंगे दुल्हन की मम्मी कैसी है। हाँ देखो, दुल्हन की नहीं, दूल्हे की मम्मी। आप कह रहे हो दुल्हन की मम्मी कैसी है? दूल्हे की मम्मी, हाँ दुल्हन का गई है। तो आप भी तो कहते हो कई बार क्या करना है, हाँ, क्या बुद्धी है भाई, दुल्हन की मम्मी, अब उम्र हो गई है, दुल्हन की मम्मी को देखेंगे फिर। आज कैसे कह रही है बात? तो चलो चलते हैं, अपने पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास अभी, हमने 3 बजे वहाँ पहुँचना है, 2:30 बज चुकी है। चलो चलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी घर से निकल रहे हैं। चले आंटी जी, चले भाई, चले जी, चलो चलो चलो। मैंने भी कराना है, मेरे को भी जरूरत है मेकअप की। तो कल रात को डिटेन भी किया था मैंने। हाँ लग रहा है गोरा, लग रहा है गोरा मेरी। इसका मतलब मैं पहले काला था। नहीं नहीं, ऑलरेडी गोरा है ना। क्या इसको फुल बॉडी डिटेन करना पड़ेगा। चल तो गाइस अभी घर से निकल रहे हैं हम सब, सारा सामान ले लिया। कुछ रह तो नहीं गया ना घर पे? देख लो कुछ है तो आपका, कुछ रह गया तो यही आना ही है वापस। तूने बुक करवा लिया क्या अपना मेकअप? भाई मैं डिटेन कराऊंगा। तुमने वैम डाल दिया। तो गाइस मार साथ तानी भी जा रही है, इसका भी मेकअप करवाना है। थोड़ा सा ऐसे करवा दे, थोड़ा सा कह रही है मेरे को भी तैयार करवा दे। चलो तो इसको भी ले चलते हैं, इसने भी अपना लहंगा उठा लिया। तो गाइस अभी आ चुके हैं अमी अब्रोय के पास, ये सैलून है इनका और यहाँ पे आंटी जी और सब रेडी होंगे। चले अंदर, चलो आ जाओ। तो गाइस अभी आंटी जी और को यहाँ पे छोड़ दिया है, अभी वो रेडी हो रहे हैं। तो आपको जब वो रेडी हो जाएंगे दिखाएंगे कि कैसा मेकअप हुआ है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं कपड़े उठाने जाना ना। तो गाइज अभी कपड़े उठाने जाना है, पारस भाई के, मेरे भी और जीजू के भी और अंकल जी के भी। तो गाइज सबके अभी कपड़े उठाने जाना है। तो चले भाई, चलो भाई, मेरे तो रेडी हो गए। तेरे रेडी हो गए? क्या डाल रहा है तू? दिखाऊंगा अभी मोटे। तो गाइज अभी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने कपड़े उठाने हैं, तो जल्दी से कपड़े उठा लेते हैं और उसके बाद हमें और भी बहुत सारा काम करना है। हमें मिठाई भी लेनी है अभी, और भी बहुत सारा काम है ना। क्या क्या लेना है भाई? मिठाई लेनी है, आंटी का नोज पिन लेना है, अच्छा हाँ, ये भी उठाना है, और एक भी लेना है, एक दो चीजें और लिख रखी है ना भाई। तो भाई बहुत सारा काम है, जल्दी से यहाँ से कपड़े उठाते हैं और फिर निकलते हैं घर पे। अभी माधव जितेश को भी लेना है, उनके साथ भी काम है हमें। तो भाई जल्दी से घर चलते हैं अभी यहाँ से कपड़े उठा के। तो भाई अभी भैया के पास आ गए कपड़े लेने, हो गए सारे रेडी? हाँ जी, फर्स्ट क्लास सारे रेडी हैं। ये आप वाला हो गया, अच्छा अभी दिखाना नहीं, बाद में दिखाएंगे। तो भाई ये पारस भाई का है, ये जीजू का है, इसमें मेरा है, अंकल ये फादर साहब का है, आपका उधर रखा है। अच्छा मेरा उधर है, वो बाद में ही दिखाएंगे सबको, पर आज के व्लॉग में दिखा देंगे। चले भाई फिर यहाँ से, चलो चलते हैं भाई, बहुत काम है सारा कुछ। तो भाई सबके कपड़े उठा लिए हैं, अभी चलते हैं घर और घर जाके भी अभी बहुत काम है। तो भाई अभी ज्वेलर्स की शॉप पे पहुंच गए हैं, आंटी जी का यहाँ से पता नहीं क्या उठाना है, आई थिंक कोका उठाना है। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से जल्दी से उठा के फिर हम निकलते हैं घर के लिए। बस यहीं से उठाना है ना, लास्ट काम है ना यही? बस नहीं, इसके बाद वो लेनी है भाई मिठाइयाँ, मिठाइयाँ लेनी है। ओहो अभी तो और भी काम है, अभी दो चार काम और भी है, और भी काम है। चलो फिर जल्दी से पहले ये उठा लेते हैं यार, काफी लेट हो रहे हैं, रेडी भी होना भी घर जाके, भाई नाना भी है अभी। तो गाइज इन्होंने तो अभी किया ही नहीं, वो अभी हमारे को इन्होंने बोला कि 10 से 15 मिनट बाद आना, तो इतने हम पहले और काम कर लेते हैं, है ना? आ जाएंगे हाँ। तो फिर अभी यहाँ पे 10-15 मिनट बाद आ जाएंगे जो कोका लेना है। तो गाइज इस कार में ना की लगती है और मैंने बारी बारी मैं भूल जाता हूँ की निकालनी, क्योंकि ना वो आदत हुई है ना सफारी की। मेरे को पता था कुछ बोलेगा, तू गाड़ी ये चलाता है, तू वो चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सफारी की आदत हुई है। उसकी कीलेस एंट्री है कार की, इसकी भी करा लूंगा मैं, कीलेस हो जाएगी इसकी। हाँ, इसमें थंबप्रिंट लगाऊंगा सीधा वहां से। फिर वो फेस लॉक करवा लेंगे, फेस लॉक करवा लेंगे। भाई मैं बारी बारी भूल जाता हूँ, पुल की दिया ही करता रहता है। मैंने 3 बार निकाले, तीनों बार गाड़ी रुके, मैंने निकाली है तो छोड़ के निकल जाता आगे, यार याद नहीं रहता है कसम से यार। तो गाइस अभी हल्दीराम आ चुके हैं मिठाई लेने। मिठाई लेनी क्या? वड़ा पाव खाने, एक एक वड़ा पाव खा लेते हैं ना। चलो चलो, ये देख पुलकित, ये देख भाई, इधर देख क्या क्या है भाई, तू मेरे को लालच मत देना। ये देख कितना सही लग रहा है पनीर कटलेट, हार्ट शेप में बना हुआ है भाई, पनीर पकौड़ा भाई। कोई एक चीज ले ले, पता क्या लेनी है? सारी चाहिए नो ब्रो। अरे यहाँ तो मिठाई खाली होगी भाई, ये तो पड़ी थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी है, ये तो खाली होगी सारी, पीछे पड़ी है वो देखना।
अच्छा उन्होंने पीछे रख रखे हैं क्या? मेरे को लगा सबकी एंगेजमेंट है। सारे ले गए। और भाई इस मिठाई का नाम देखो क्या है, ओसो बुलबुल काजू। भाई ऐसे नहीं लग रहा, वो क्या कहते हैं, चिड़िया घोसला। हाँ, इसका नाम भी देख ले गया, ओसो बुलबुल काजू। भाई तभी बुलबुल से रिलेटेड है ना ये। बुलबुल से, हाँ बुलबुल का ऐसे ही घोसला होता होगा। अरे भाई इतना क्या ऑर्डर कर दिया, हार बन गया, हार नौलख हार। एक जगह बांटते जाएंगे, चीजें लेते जाएंगे। तो गाइस देखो हमें केसरिया से फ्री मिला है 2000 की बिलिंग के ऊपर, तो आप भी आ सकते हो। हमारी बिलिंग 2010 की, 2010 की, तो हमें फ्री मिला है। आज दूध पियेंगे, नहीं दूध ही पियेंगे, दूध ही पियेंगे। तो गाइस हम कहीं भी जाते हैं ना कुछ सामान लेने, अपने खाने का पहले देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आ गई हमारी कचौरियाँ, और इसने तो पेल भी दी। तो ये हमारी कौन सी चटनी होती है, सौंठ की, और ये ग्रीन। चलो खाते हैं। बच गई अभी फ्रोंग्स बिकती। उसकी गाड़ी पे, उसकी गाड़ी बहुत तेज लगी है। हाँ तो अपनी तो हिल गया होगा बम्पर। अपना बम्पर नीला, अपने को कुछ नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस अभी अभी इसने एक BMW कार में ठोक दी, बैक कर रहा था, खिंचा के मारी अंदर, अभी बिक जाती फ्रोंग्स। वो बंदे ने पीछे टैग पढ़ लिया ना भाई, बंदे ने कुछ कहा नहीं, बंदा कहता कोई नहीं जाओ। बढ़िया था बंदा, मेरे को देख के डर गया वो, मैं उतरा ना। बस कर उसने अपनी BMW देखी उतर के, और तू अपनी फ्रोंग्स देख रहा था। तो गाइस फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं, पर आधा अधूरा सामान लेके अभी हमें फिर जाना है। आंटी जी को भी लेना है, वहां से भी बहुत फोन आ रहे हैं, तो पहले वो आंटी जी को लेने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। भाई बहुत थक गया आज तो। गाइस यहाँ पे आंटी जी रेडी हो चुके हैं, और शालू दीदी का भी मेकअप चल रहा है। कह रहे मेरा ना दिखाइयो, अरे दिखाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो। तो गाइस जिन्होंने मेकअप किया है वो हैं ये। तो भाई अपना एड्रेस बता दो, एड्रेस तो बता दो, कहाँ है ये, मेकअप बाद में कर लूंगी, पहले मैं एड्रेस। हाँ पहले एड्रेस बता दो। तो गाइस आंटी जी और तानी को दोनों को ले लिया है, बहुत सुंदर लग रहे हो सही में, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है मेकअप। और तानी भी भाई बहुत सुंदर लग रही है, पिंक बनी हुई है। बेबी डॉल क्या इसका मुंह क्यों बना हुआ है? नहीं क्या हो गया? कुछ नहीं खुश है ना? और अच्छा खुद अपने अंदर आया कहती है मेरा, कहता है मम्मी का जिसने करा मैं उसी से ही कराऊंगी। अच्छा बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहती मैं नहीं करवाती और उसे। तो चलो चलते हैं घर, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो गाइज आप किसी को भी ऐसा मेकअप कराना हो तो सैलून का नाम है एमी ओब्रॉय, और ये सैलून का जो एड्रेस है वो है तिलक नगर मॉल रोड पे, और बहुत ही अच्छा मेकअप किया है। आप देख लो आंटी जी का, अच्छा लगा ना आंटी जी आपको? सब अच्छे थे ना? चाहती थी वैसे ही। हाँ तो गाइज देखो यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, आराम से घर बैठे हो। हाँ तो रेडी हूँ मैं। हाँ रेडी हो, हम देखो परेशान हो रहे काम करके इधर उधर, साथ चलो हमारे। चलो अब रेडी हो गए, साथ चलोगे? चलो रेडी हो गए? हाँ? सारे गंदे हो जाओगे फिर, कहाँ जाना है, बहुत काम है अभी। चलो चलो चले। तो भाई ये भी रेडी हो गए हैं, और ये भी रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया, बट इनके अभी तक जूते तो आए नहीं, तुम ऐसे ही रेडी हो गए पहले। तो चलो फिर चलते हैं अभी, चलें। बढ़िया लग रहा है अभी, चलो चलते हैं फिर ठीक है लेने। तो गाइस यहाँ पे अभी हृदय रेडी हो रहा है। ओहो हृदय इतने स्मार्ट लग रहे हो, इधर तो देखो बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप तो। अरे क्या उतार रहे, निक्कर नहीं उतार रहे, शर्ट अंदर डाल रहे हैं। इसको लग रहा है पुल के इसके निक्कर उतार रहा है। भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ये मैं डाल लूं आपकी शर्ट? नहीं आप डालोगे? ओके। तो गाइस यहाँ पे वैसे सब बच्चे रेडी हो गए हैं, बस पुल की तो और मैं, हम दोनों बच्चे रेडी नहीं हुए भाई, हमें बहुत काम है। हाँ। अभी भी बहुत काम है तो बस कर भाई, पूरे व्लॉग में ना काम ही काम बोल रहे हम, काम है। लोग कह रहे हैं फेंक रहे हैं ये, नहीं ये तो डालो रिदे। इतने स्मार्ट लग रहे हो, वो देखो वो कह रहे नहीं उतारो, बढ़िया लग रहे हो रिदे, बहुत अच्छे लग रहे हो। शर्ट उतारो, क्यों क्या हो गया? चुभ रही है, चुभ रही है क्या? इसको कितना गंदा लग रहा है, कच्ची। आप तो अच्छे लग रहे हो। लग रहा हूँ, जैकेट मेरी इतनी अच्छी है। दीदी क्या कह रहे थे, क्या ऑर्डर करूँ, क्या खाओगे बताओ भाई सब। ये देखो ये सब बैठे ना तैयार होके, इनसे पूछ रहे क्या खाओगे, आप बताओ आप क्या खाओगे। मैं तो बस बर्गर ही खा लूंगा, तुम बताओ क्या खाओगे। ओ तेरे को क्या हो गया मुंह पे? नीचे गिर गया था, बहुत तेज गिरा। ओहो बहुत ज्यादा लग गई भाई, और आज ही लगनी थी। क्या करे पता थोड़ी है, तेको लग रहा। आराम से खेला करो, तुम्हें सबको समझाता हूँ मैं। दीदी मेरी बात सुनो, क्या क्या कह रहे हैं खाने के लिए? ये बर्गर खाते होंगे और
और वो क्या कह रहे थे भाजी कौन सी? पाव भाजी। पाव भाजी कैसे बोल रहे हैं? क्या खाएंगे? ये पाव भाजी खाएंगे सब। सब पाव भाजी खाएंगे। आप क्या खाओगे? मैं तो बस बर्गर खाऊंगा। आप बर्गर खाओगे, चलो ठीक है। फिर अभी रेडियो के सब चल रहे हैं ना वहाँ पे, है ना, तो वहीं खाएंगे। तो गाइस यहाँ अंकल जी भी रेडी हो गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहे हो, जच रहे है सूट, सही है ना? और के? है ना आंटी जी, दूल्हे की मम्मी और पापा। दूल्हे की मम्मी और पापा। तो गाइस यहाँ पारस भाई भी रेडी हो चुके हैं, और भाई कसम से बहुत बढ़िया लग रहे हो। सही था। अभी तो पूरी ड्रेस भी डाली नहीं। मेरी ड्रेस का आई है। हाँ, अभी ड्रेस आई नहीं, पर अभी भी बहुत बढ़िया लग रहे हो। ऐसे भी चले जाओ है? ऐसे भी खुश हो जाएगी भाभी हमारी। सही में? सही में बाल सही लग रहे भाई, एक नंबर। चलो ठीक है, चलते हैं। आज होठ चमक रहे, पिंक पिंक लग रहे हैं। अरे भाई पिंक करे हैं मैंने। अच्छा चलो जाओ भाई, जाओ बाय। और भाई इसको भी देखो यार, रेडी होने बैठ गया। तेरी शादी है भाई? बीएड पे कट लगवाना है, ये देख ले कितनी। सुबह मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि अभी कराने, और देख ले क्या रात हो गई। ये सही बता, क्या करवा रहे हैं? मेकअप करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? ये मेकअप करा रहे हैं। मेकअप करवा रहे हैं ना, बंद कर। सोच रहा है कि कटिंग करा, पर मेकअप करा रहा है। आज लोडा गोरा होगा। मेरी बात सुन, एक हेलो, मेरी बात सुन। मेरा भी करना है अभी मेकअप। मेकअप नहीं होगा तेरा, तू तो गोरा है। ये क्या गोरे वाली क्या बात होती है? ये थोड़ा ना बात होती है, थोड़ा वो टचअप कर दियो भाई। इसने कहा है ऐसा कलर करना है, थोड़ा टचअप कर दियो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ आंटी जी आज सबसे पहले रेडी होके बैठ चुकी है, कि कोई बाद में बोले ना ऐसे कि मैंने लेट कर दिया। नहीं, लेट हो जाती है, लेट। आज मैं सबसे पहले, आज सबसे पहले रेडी होके बैठी है कि मेरे को जब मर्जी ले चलो, है ना। और भाई रीदा भी रेडी, आज सब रेडी है। मेरा कसूर नहीं है, मैं तो बैठी रेडी हूं। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो रीदू? फूक मार के। अच्छा, ये ड्रायर कर रहे भाई, फूक मार के तेरे बाल। नहीं, इसने मेरे को सर मार दिया। अच्छा, सिर लग गया। अच्छा, फूक मार रहा था, मेरे को लगा ड्रायर कर रहे तेरे बाल। दोबारा कर दो ड्रायर, मारना फूक। खड़े होके मारो, यहाँ पे बैठ के नहीं, खड़े होके फूक। फिर मुंह गिल्ला हो जाएगा तेरा। तो गाइस यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि इनके अभी तक जूते नहीं आए। तो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ इधर, कि मेरे भी नहीं आए, ठीक है? मेरे भी नहीं आए तो तुम्हारे भी नहीं आएंगे, तुम्हारे आएंगे तो मेरे भी आएंगे, पहले तुम्हारे आएंगे, ठीक है? तो परेशान मत होना, और अब बारी बारी कहना मत कि जूते लेने चले, ठीक है? तो गाइस वैसे सब जने रेडी हो चुके हैं, बस बच्चे बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, और हम भी बैठे हैं। तो कोई नहीं, अभी जूते लेके आते हैं फटाफट चल के, चले। तो चलो गाइस अभी जूते दिलवा के आते हैं इनको। तो गाइस यहाँ पे हमने कोका ले लिया आंटी जी का, तो अभी लेके चलते हैं घर। हो गया ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रेडी। तो चलो चलते हैं, चले। चलो भाई चलो। तो गाइस अभी यहाँ पे हम बुके लेने आ गए हैं, क्योंकि पारस भाई को ना भाभी जी को देना होगा शायद से, तभी लेने आया है। तभी लेने आया क्या? तो भाई यहाँ से बुके ले लेते हैं। तो गाइस, अरे यार, अरे बैठो, अरे मैं आपकी ड्रेस दिखा रहा हूँ। तो भाई आज जीजू भी रेडी हो गए हैं भाई, बढ़िया लग रहे हो बहुत, है ना? अभी करवा क्या लेते? क्या करवा रहे थे आप बताओ? मॉइस्चराइजर। मेकअप कर रहे हैं? फिर आराम से लगवा लो। मैं हो गया रेडी, चलो फिर आज चलते हैं। चलो हम ऐसे चलेंगे, चलो जा रहे हैं हम, करवा लो करवा लो। तो गाइस काफी देर के बाद हम फ्री हुए हैं, और अब जा रहे हैं इनके शूज लेने, और मैंने भी अपने लेने हैं। तूने लेने हैं? तू कह तो रहा था लेने भाई, लेने हैं। फिर फ्री कहाँ हुए हम? तू कह रहा फ्री हुए भाई, फ्री तो हो गए। तो गाइस अभी आ गए थे शूज लेने, मेरे को ये पसंद आ रहा है कुछ, कैसा लग रहा है ये? तो भाई कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, मैं फिर ये ले लूंगा। ये किसने लिए हैं? ये तूने लिए हैं? बढ़िया लग रहे हैं। और तूने कौन से लिए हैं? ये लो, ओपन है तेरे। दोनों के हो गए ना सिलेक्ट? चले फिर कर, चलो चलते हैं यार, वैसे भी बहुत लेट हो रहे हैं। एक हाथ में लेके जाएगा ये भैया को दो ना। तो गाइस अभी शूज ले लिए हैं, अभी हमने लेनी है प्लेट। तो अभी प्लेट ढूंढ रहे हैं कहाँ से मिलेगी। तो गाइस अभी हम प्लेट लेने आ गए हैं, तो कुछ इस टाइप की हमें प्लेट दिख रही है। ये अच्छी लग रही है ना? ये वाली बढ़िया। नहीं, वहाँ पे एक सिल्वर वाली भी है, वो भी अच्छी लग रही है, वो दिखाना सिल्वर वाली। हाँ, एक बार वो भी देखते हैं भाई। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी लग रही है भाई, है ना? ये भी प्यारी है। तो कौन सी लें फिर? ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। मेरे को तो ये अच्छी लग रही है सिल्वर वाली। तो गाइस हमने ये वाली प्लेट ले ली है, ये बढ़िया लग रही है, है ना? ये बढ़िया लग रहा है कलर। हाँ, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, सिल्वर वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं, सुबह 9 बजे के उठे हुए हैं, और 9 बजे से काम कर रहे हैं, और 9 ही बज गए हैं, और 9 ही बज चुके हैं, और आज हम बहुत लेट हो गए वहाँ फिर पहुँचने के लिए। पर घर वाले सब चले गए हैं, हमें अभी नहाना भी है, अभी रेडी होंगे और फिर जाएंगे। लगभग लगभग 9:30 या 10 बज जाएगी हमें वहाँ पहुँचते।
तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और नहाते हैं, तो आपको नहाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी नहा के हो चुके हैं रेडी, और प्लीज बताना कि मेरा आउटफिट कैसे लग रहा है, और यहाँ पुलकित भी रेडी हो चुका है। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि कुर्ता पजामा कैसे लग रहे हैं। तो भाई जल्दी चलो, काफी लेट हो चुके हैं और इसको इसकी तैयारी नहीं खत्म हो रही। भाई क्या कर रहे तू अभी तक? रखा मैंने सामान। तो गाइस काफी मुद्दतों के बाद हम बैंकेट पहुंच चुके हैं। तो भाई 10 बज चुके हैं हमें यहाँ पे, सब 7 बजे के आए हुए हैं, हमें 10 बज चुकी है। तो जल्दी से ना ऊपर चलते हैं, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी आज हमें। भाई मारनी पड़ेगी, सारा काम तो भाई सारा काम छोटे भाइयों का, इसीलिए कोई सारा काम संभाला। पर ऊपर से बहुत फोन आ रहे हैं कि जल्दी ऊपर आ जाओ, तो चलो चलते हैं ऊपर। तो गाइस हम ऊपर जा ही रहे थे और रास्ते में हमें दानिश भाई भी मिल गए। कैसे हो भाई? बढ़िया, आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऊपर। क्या कर रहे हो आप? परफॉर्म कर रहे हो? हमें पता है, पता है भाई, आज आपकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे व्लॉग में। सेक्सी परफॉर्मेंस करना, ठीक है? गाइस कोमल दीदी भी आ गई हैं तैयार होके। भाई बहुत सुंदर लग रहे हो कसम से, सही में नजर ना लगे किसी की। तो गाइस कमेंट करके बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो, काफी देर लगा दी वैसे आपने। हम ट्रैफिक में फंस गए थे। आप तो हमसे भी लेट पहुँचे हो, तो तुम्हारा पहले आना जरूरी था। नहीं हमने तो कितने काम करवाया हमने घर पे, हमारे साथ ब्राइडल थी ना। अच्छा हाँ, भाभी जी भी तो आपके साथ थे। कैसे लग रहे हैं भाभी जी? बहुत मस्त। तो गाइस यहाँ पे आज दूल्हा नहीं रावण आया, देखो। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, पर बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है? किसने कॉम्प्लीमेंट किया है? बता नहीं। अच्छा बता नहीं सकते आज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हैंपर उठाने। भाई है? क्या कौन से हैंपर जाए? ये हैंपर जाए रिटर्न गिफ्ट यार। अच्छा जाएगा। हाँ जो रिटर्न गिफ्ट है ना, जो हम सब मतलब जो सारी फैमिलीज आई है, तो हम उनको रिटर्न गिफ्ट करेंगे। तो वो हैंपर उठा के आने, तो जल्दी से वो भी ले आते हैं। एक काम ही रह गया था, ये भी कर ही देते हैं अब। चलो तो गाइस जो हमने हैंपर्स रेडी करवा रखे थे ना, तो वो यहाँ पड़े हैं, और देखो कितने सारे हैं। मेरे को तो लगता नहीं है एक गाड़ी में भी आएंगे। आएंगे ये? आ जाएंगे भाई, पीछे पूरी सीट फ्लैट कर दूंगा, एक के ऊपर एक रख देंगे, देखते हैं। फिर तो आ जाएंगे, पर टूट फूट ना जाए इसमें से कुछ। आ जाएंगे ना भैया? तो गाइस ये सही हो गया, हमने सीट्स को सारा नीचे लिटा दिया, तो हम भी पीछे सो के जा सकते हैं हैंपर्स के साथ। अब तो आ जाएंगे भाई सारे। तो गाइस फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और देखते हैं कैसा अरेंजमेंट हुआ है। ओए रिदू, यहाँ पे किसकी कार ले गए हो? ये जानू चाचू। ये किसने पारी करी है? ये मैंने ही करी है। ये भी आपने करी? लिपस्टिक लगाई थी क्या अभी? भाई ये मैं तो इसके लिए आया हूँ। अच्छा तो मतलब पारस भाई कुछ नहीं? वो भी अपनी जान है, ये जान की जान है, जान की जान है। तो भाई देखो यहाँ भी इसने कार मंगवा ली है, घर तो छोड़ता नहीं था, यहाँ भी कार मंगवा ली। बहुत सही, हाँ भी घर भी तो पड़ी है इसके पास सेम कार। बिल्कुल सेम, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे अनमोल भाई और मंजीत भाई भी आए हुए हैं। कैसे हो भाई? आपको भी मुबारक हो। कैसे हो? और सब और सुनाओ आप। भाई यहाँ पे खाने का भी है, पीने का भी है। तो खुल के खाना, खुल के पीना, ठीक है? मेरा नंबर, मेरा नंबर अभी 5 साल बाद। अरे इतना टाइम करवाएगा क्या? जल्दी जल्दी कर। अभी यार बच्चा हूँ, यार बच्चा हूँ।
शॉप सब बढ़िया हो गया ना प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। ये कैसे लगा बैंड का ढोल? बहुत बढ़िया बढ़िया ना सब बढ़िया हो गया सही बढ़िया हो गया। तो गाइस यहाँ आते ही टूट पड़े हैं खाने पे। क्या खा रहे हो ये? क्या अच्छा चटनी ब्लॉगर लाइफ की ये होती है? नहीं चटनी हो क्या है ये? हाँ तो फिर बताओ ना पाव भाजी खाएंगे। क्या कर रहे भाई? ये अपने चैनल पे तो दिखाते हैं सुबह सुबह लो ओटमील 100 ग्राम लो प्रोटीन और देखो ये रियल डाइट। हाँ ये बात तो सही है, रियलिटी है वो रियल लाइफ। नहीं यार मजाक नहीं है, बहुत डेडिकेटेड है। तेज बोल भाई थोड़ा तेज। मैं कह रहा हूँ शिवम भाई से अच्छी बॉडी किसी की नहीं है। सब लोग एक्साइटेड हो गाइस? फन और चिल चल रहा है। मंजीत भाई जब भी आपको दिखेंगे खाते हुए दिखेंगे क्योंकि बॉडी ऐसी बनती है ना। अभी हम पालक की रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं। पालक की रेसिपी तो भाई सबको बताओ फिर। खा के दिखाओ कैसी है।
सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं फुल, और पुल की थी तो आवाज ही बंद होगी, क्या हो गया आवाज को, और कर ले काली एक्टिवा था। तो भाई जीजू फूल लेके खड़े हैं, दो कमल जी देखो सुबह आवाज निकलेगी नहीं किसी की, और हम यहाँ पर बना रहे हैं रील बना रहे हैं। भैया गाना चला दो यार, हैं गाना बिना गाने के रील, चलो भाई बिना गाने के रील बनाते आ जाओ। इसकी तो आवाज गई। तो गाइस यहाँ पे ना एक घंटे से शूट चल रहा है और भाई से ना नीचे नहीं बैठा जा रहा भाभी को फूल देने के लिए, ये बहुत गलत बात है। आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं, हाँ सही बात है, इसलिए लेग मारो यार, ज्यादा लेग मार दो तो घुटने दर्द है, आप दिखाओ फिर लेग मारो इसे। अरे नहीं नहीं, अरे मेरे को थोड़ा ना दो, नीचे बैठ दो नीचे, लो भाई इन फूल की भी कदर नहीं करी आपने तो। तो गाइस अभी कर रहे हैं डिनर काफी डांस के बाद, तो मंजीत भाई साथ खा रहे हैं, तो बस खा ही रहे हैं मंजीत भाई। कैसा है खाना? बढ़िया ना, तभी तो खा रहा हूँ, खाते रहो खाते रहो। तो गाइस अभी डिनर हो गया डन, और अभी खा रहे हैं कुछ मीठे में। ये क्या है? ये है शाही टुकड़ा। उस वो क्या होता है? डिश होती है और क्या होता है? डिश नहीं होती, मीठी और अच्छा। हाँ मीठा मीठा होता है ना, और अच्छा भी होता है, अच्छा होता है, काफी स्वाद होता है। तो पहले खा के दिखाओ मेरे को। खा लिया। क्या कह रहे हो आप भाई? मीठा और अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन, मीठा और अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही जबरदस्त है। अरे सारा थोड़ी ना खाना था, अरे नहीं नहीं मेरे को भी तो गिला थोड़ा, टूट जाएगी टूट जाएगी। अरे नहीं नहीं रहने दो, नहीं मैं खाऊंगा, झूठ बोल रहा था, खिला रहा हूं। बढ़िया भाई सही में, अच्छा है। आप खाओ, भाभी को खिलाओ। ऐसे ही है भाई, नहीं खा रही। तो गाइस फाइनली एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है और सब घर जा चुके हैं। तो भाई कितना बेस्ट रहा सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बहुत मज़ा आया, सब अच्छे थे, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मस्ती की। बस अब आगे तो शादी के प्रोग्राम चलेंगे, शादी में बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे, हल्दी मेहंदी सब होगा, सब चीज़ें करानी आगे। तो भाई हमने डांस कितना किया, कितना फन किया भाई। शिवम बहुत नाचा आज, पता नहीं शिवम को अलग ही खुशी चढ़ रही थी, अलग ही पागल हो रखा था, बार बार खींच खींच के ले जा रहा हूं। भाई भाई की शादी है पहली बार, खुशी हो रही है, ये बात तो सही, बड़े भाई की शादी है पहली बार से क्या मतलब है? मतलब बड़े भाई की मेरी पहली बार शादी हुई है, ये बात तो सही, यही बात अभी खुशी तो होगी, जय मन जय मन है ना। अब इससे तो बस तू कब कर रहा है, तू कब कर रहा है? मैं अभी कल कल तक तो करना, कल अभी कल नहीं, कल कल के लिए पहले मैं हृदय को देखो, यहाँ भी इसकी शरारतें खत्म नहीं हो रही। क्या कर रहे हो रिदू? इधर खेल रहे हो, गिर जाओगे यहाँ से? नहीं गिरते ना, आराम से खेलना, ठीक है ठीक है। तो गाइस सब चले गए यहाँ से और सब सामान पैक भी करवा दिया, और बस अब पुल की तो मैं ही है यहाँ पे, और राहुल भी है। तो चले गाइस, चलो जी चलो। तो चलो चलते, आज बहुत फन किया है ना, कितना डांस किया भाई, बहुत डांस किया। तो गाइस कल का व्लॉग पूरा देखना, तो गाइस हमने बहुत फन किया है, आपको सब देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी नीचे उतर गया और मंजीत भाई भी जा रहे हैं घर। ओके भाई, तो ठीक है भाई, मिलते हैं, आई लव यू, चल बाय बाय। ओके बाय बाय, ध्यान रखना, शादी का सोच, तू तो घर चल रहा है ना, हैं शादी का जल्दी सोच भाई, बस करो यार शादी, अभी बच्चा हूँ मैं, अभी पुलकित करेगा शादी भाई, अभी टाइम है, अभी टाइम है ना। तू कहाँ जा रहा है जी? अपना मिनी व्लॉग ना करे, अच्छा मिनी व्लॉग कर लेगा। तू कहाँ जा रहा है? मैं आप क्या चल रहा हूँ, चला जल्दी आ जा। ऐसे कौन सा व्लॉग है भैया, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पे? हम आपके इंतजार कर रहे थे चलने के, तो चलो आज चलते हैं जल्दी से, बैठो बैठो आप बैठो, करो स्टार्ट करो आप, आ जाओ बैठो तो सही। तो गाइस फाइनली सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया, और जो जो आए थे सबका थैंक यू, बहुत ज्यादा थक गया, अभी घर चलते हैं भाई, कल रात से नींद पूरी नहीं हुई है, अभी भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और अभी टाइम भी 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, तो भी घर चलते हैं और रेस्ट करते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। तो गाइज इस व्लॉग को एंड करने से पहले आप जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, क्योंकि मैंने रील डाली है भाभी जी के साथ और मैंने कुछ पोस्ट भी डाली है, वो जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि कैसे थी, और उसको प्लीज लाइक करना और शेयर करना, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कमेंट्स में जरूर बताना सबका डांस आपको कैसा लगा, एंगेजमेंट का फंक्शन कैसे था। तो गाइस सब कुछ जरूर बताना कमेंट में। तो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में,